हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे ये आपने दुकान लगाने किसको पैसे दिए हैं? क्या बना क्या रहे आप? मोमोज है, मोमोज भाई, मोमोज है। अब ये देखें, ये बकायदा एक माफिया है जो रोड पे 70 साल से काबिज है। ये गाड़ी काबिज नहीं है, ये भी गलत गाड़ी है। वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? मैं बताऊं कि ये गाड़ी क्यों खड़ी है? वो गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? सुन तो ले, हम बात भी सुन ले। क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉल लगा है, इसलिए ये गाड़ी भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे पूरी लाइन है, आवाम को ये समझने पे मजबूर किया जा रहा है कि ये इनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है, जबकि आपके रोड पे बैठे हुए हैं। आपने लगाई, साथ वाले ने लगाई, आपको देखिए, वैसे आपकी नॉलेज के लिए ये रोड नहीं है, फुटपाथ है। मैं आपके घर के बाहर खड़े हुए आके बैठ जाऊँ रोज, यहाँ पे कुर्सियां लगा लूँ, बैठक लगा लूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे? यार ये आपकी जगह नहीं, आप ये क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है जॉब देना? देना है, बिल्कुल है। रियासत की जिम्मेदारी नहीं? रियासत गलत कर रही है, रियासत कर रही है ना, आपको जगह नहीं दे रही, तो आप मेरे घर के आगे बैठेंगे? ये मेरा रोड है, ये गवर्नमेंट का रोड नहीं है, यहाँ तो गवर्नमेंट के उन्होंने नहीं। अगर ये आपका है तो मेरा भी है, आगे ले जाएंगे। अगर ये आपका है तो मेरा भी है। आपका है लेकिन, अच्छा मैं भी यहाँ पे दुकान लगा लूँ? लगा लें, बंद कर दें, बाकी वाम के लिए बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? गाड़ी वाले को तुम पूछें, गाड़ी वाला भी खड़ा है। अब नाजी ये जो गाड़ी वाला कह रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी वाला यहाँ पे क्यों खड़ा है। ये देखें, पहले इस साइड दिखाएं, ये पूरी एक लाइन ऐसे बनाई गई है कि ऐसे लग रहा है कि ये इनकी जाती मलकियत है। और ये तरीका क्या कि अब मैं इनसे पूछूंगा, कहेंगे ये यहाँ पे लगी हुई थी। एक सेकंड, मुझे पहले ये पूरा समझा लेने दे। इनसे पूछेंगे कहेंगे ये यहाँ लगी हुई थी, इससे पूछेंगे कहेगा इससे आगे लगी हुई थी, इससे पूछेंगे कहेगा ये यहाँ लग गया, और गाड़ी वाले से पूछेंगे ये, तो कहेंगे यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई थी, मुझे जगह नजर आई, मैंने भी लगा दी। सब लोग आवाम की जगह पे कब्जा करके बैठे हैं, और फिर जब वो आके रेडियां तोड़ते हैं, लेंटर तोड़ते हैं, आपका सामान उठा के लेके जाते हैं, फिर आप कैसे ज्यादा कर रहे हैं? क्या आप ज्यादा नहीं कर रहे? एक हफ्ता नहीं हुआ इस काम को, गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं बनता? वो जॉब दे, वो कोई ऐसी जगह दे, वो कोई ऐसा प्लेस बनाए। गवर्नमेंट तो कर ही गलत रही है ना, वो सही कह रहे हैं। उस दिन जब कॉल भी रहे थे, हमने उनसे सवाल किया कि आप इनको भी कोई मुतबादल जगह भी दे। आप मुझे बताएं, आप एक हफ्ता पहले जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, आपने वो बात सुनी है जो ऑपरेशन हुआ था, आप उस दिन कहाँ थे? मैं उस दिन भी यही था। आपने लगाई भी थी उस दिन? वहाँ लगाई हुई थी। उस दिन वहाँ लगाई हुई थी ना? हाँ जी। उस दिन फिर आपकी वो रेडी नहीं लगी? उस दिन वहाँ लगी हुई थी। उस दिन वहाँ क्यों लगाई थी? डर था कि वो आएंगे तो ले जाएंगे। मुझे क्या पता वो आएंगे? अभी आप मतलब ऑन करते हैं कि आप यहीं पे बैठे हैं, वो आए तो कोई मसला नहीं है। ये वकील साहब का अड्डा, ये अड्डा वकील साहब ने लगवाया, कैसे आपको पता? ये वकील साहब का अड्डा, ये किसी वकील ने लगवाया? वकील ने लगवाया। वकील साहब को क्या मतलब, क्या नाम है उनका, जरा बताएं जरा। नाम का तो नहीं पता, मैं क्या वकील आता है यहाँ पे उनके पास, उनका ऑनर जो वकील है। ये वकील साहब ने अड्डा लगवाया? वकील साहब ने अड्डा लगवाया। वही वकील नहीं है जी, वकील वकील ये काम करेंगे। वो कह रहे अड्डा लगवाया है, आप खुद ही बदमाश है, आपकी कहने का मतलब हजरत नहीं, कौन बदमाश है भाई? बदमाश होते तो रेडी लगाते। हजरत मुझे आप बताएं, मुझे जॉब दें, मैं करता हूँ, मैं ये नहीं लगाता। हुकूमत ने आपको जॉब नहीं दी, जो कि उसकी जिम्मेदारी थी, गलत किया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब उसका मसला ये तो नहीं है कि आप बाकी वहाँ। मुझे कहीं भी रोजी तो कमानी है ना, क्या करूँ? रोजी कमाने के लिए अगर आपको कुछ भी गैर कानूनी करना पड़ेगा, आप करेंगे? गैर कानूनी, अब गवर्नमेंट की जगह थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वो भी फुटपाथ। ठीक है, जब फिर गवर्नमेंट आके आपको जरा इस्तेमाल करेगी, मतलब कि आप उसकी यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसको आगे तोड़ देगी, तो आगे मारेगी वो ट्रक में, वो कई दफा मेरा नुकसान हो जाए। नहीं, मैं रोटी खाने से बाद आ जाऊँ, आप रोटी खाने से बाद आ जाएं। ये इनका एक हद तक मुतालबा ठीक है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई मुतबादल जगह तलाश करें, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही तो उसका क्या मकसद है कि आप, अगर इनकी तरह 25 करोड़ आवाम ही हर जगह पे कब्जे करके बैठ जाए, और किसी के फर्ज करें किसी के पास घर नहीं है और आपके घर पे कब्जा कर ले, क्या मैं क्या करूँ? वो ठीक होगा? गलती गलत है, आप गलत नहीं कर रहे, वो गलत करेगा। हजरत मैं कब कह रहा हूँ कि ये सही है? मैं ये कह रहा हूँ मुतबादल जगह हो, हम वहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तुम खैरियत से? आप शुक्र है अल्लाह का। यार ये दुकान लगाई भी आपने, अच्छा तो इसका किराया किसको दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, किराया नहीं है इसका, बस हम गरीब बंदा है भाई, इधर खड़ा है, कोई किराया नहीं। ना ना, तो आप बस कब्जा कर लिया? ना ना, कब्जा नहीं है भाई, बस हमने ले लिया। वो आए थे कमेटी वाले, अच्छा वो तो दुकानें तोड़ गए, अच्छा सब। आप कहाँ थे? मैं तो बस गया था यहाँ से। हाँ भाग गया। ये आपको पता है कि ये लोगों के पैदल चलने की जगह है? अच्छा,
आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ भी पैदल चलेंगे, गाड़ियाँ मजीद तंग हो जाएंगी। हम तो साइड पे खड़ा है उस्ताद, शुदागत वाला। आप यहाँ ठीक बैठे हुए? शुक्र है अल्लाह का, खैरियत। ठीक बैठे हुए? अभी अगर कमेटी आके आपके ये सारे जूते और वो ये रेडी उठाए तो फिर गलत बात नहीं करेगी? नहीं नहीं सही है, वो भी सही करेगी। सही मतलब के पकड़ ले तो पकड़ ले, अगर पकड़ लिया तो उनकी किस्मत, वरना आप इधर ही बैठे हैं। हाँ भाई, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आप अवामी रोड पे कब्जा करके बैठे हैं। नहीं यार, हमने कौन सा खरीदा हुआ है भाई, खरीदा नहीं हुआ, ये तो और बुरी बात है कि आप मुफ्ती यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस बैठा हुआ यार, बदमाश हुए फिर तो आप? नहीं नहीं बदमाश नहीं है भाई, हम गरीब बंदी है रोज। ये वो इलाका है जहाँ पे उस दिन अभी ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने ये दही भल्ले की पूरी दुकान तोड़ दी थी। हाँ, हम आपको वो फोटेज भी आप विंडो में देख रहे होंगे जब ये दही भल्ले की पूरी दुकान तोड़ के गए, लेकिन अब ये देखें पूरी उसी तरह से एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप भाई? आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, बेफिक्र हैं, कोई मामला नहीं। आप यहाँ पे दुकान पे होते हैं? जी सर, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया, जब कमेटी वाले आया तो वो ये चीजें तोड़ गए थे, अभी भी असरात नजर आ रहे हैं। आप लोग फिर उसी तरह बैठे हुए? सर तो हम खुद मुलाजिम हैं बॉस। हैं आप मुलाजिम? किन की दुकान है? अच्छा, जो आपका सामान लेके थे वापस आ गया ना? ये देखे, इनका सामान भी वापस आ गया और ये उसी जगह पे लगा हुआ है। ये जो इंक्रोचमेंट फोर्स है उसके मुंह पे जोरदार तमाचा है कि ये उधर ही बैठे हुए हैं, या तो इंक्रोचमेंट टीम उस दिन गलत करके गई तो, या तो फिर ये कह रहे हैं फिर हम बैठे हैं इधर ही। ये सारी चीजें उस दिन उठा के ले गए थे, दुकाने तोड़ दी थी और ये अभी भी इधर बैठे हुए। अब मसला ये है कि इनके जो वो ऑनर है वो नहीं बैठे हुए, वो होते तो उनसे पूछते कि ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ सका। ये देखिए सारी इंक्रोच। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? सर काम शाम ठीक चल रहा है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। ये क्या आइसक्रीम? आइसक्रीम सर्दी में खरीदते लोग? खाने वाले खाते हैं भाई। अरे सर्दी में ज्यादा इसका सीजन होता है, गर्मी में? गर्मी में ज्यादा, गर्मी में ज्यादा खाइए। अच्छा यार, ये उस दिन यहाँ पे आए थे वो इंक्रोचमेंट वाले, बड़े गुस्से में थे, उन्होंने तोड़ दी दुकान आगे पीछे, मेरे ख्याल यहाँ पे भी वो करके गए हैं कुछ ना कुछ। ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ। आप फिर बाहर बैठे भाई? सारा बाजार ही बैठा हुआ यार। बदमाश हुआ फिर? नहीं बदमाश नहीं, ताजिर माफिया, ताजिर माफिया। बस सबके साथ ही है, जो भी आपके सामने है माशाल्लाह, देख रहे हैं आप भी, देखते हैं। नहीं तो क्या वजह, आप देखें कि आपकी दुकान वो दुकान तक है, वो उधर तक है, तो आप तकरीबन 8-10 फुट बाहर बैठे हुए हैं, उसकी वजह से रोड डिस्टर्ब होता है। ये तो पास है ना, पेडेस्ट्रियन पास है जी। तो क्या ये कोई बदमाशी है, जिद है, क्या मतलब? अल्लाह ने आपको दिया, आप दुकान में क्यों नहीं बैठे? दुकान के अंदर भी है, देख लें आपके सामने। चले मैं लगा देता हूँ, अंदर कर देता हूँ। हाँ। दुकान कैसे नजर आएगी आगे, देखें ना आप, ये जो स्टैंड वगैरह लगे हैं, आपने इसलिए बांस लगे हैं हमें सारे। अच्छा ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगे, क्या कैसे करें? मतलब कि सारों ने बाइट लगाई हुई है तो अब आप अंदर बैठेंगे तो आपका वो नजर ही नहीं आ रहा, नजर आएगा, नजर ही नहीं आ रहा। तो लेकिन ये कुछ जवाब तो नहीं हुआ? मैं कर लेता हूँ, अगर वो आ जाएंगे तो ये उठा के ले जाएंगे। अगर फर्ज करें वो अभी इंक्रोचमेंट फोर्स आती है, ये उठा ले दिया, वो ज्यादती करेगी या सही करेगी? वो बिल्कुल राइट है, हम गलत है, सब गलत है।